इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सपोटरा से, जहां नीम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव। क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत जोडली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नीम के पेड़ से युवक का शव लटका मिलने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह 10 बजे बच्चे विद्यालय पहुंचे तो अचानक नीम के पेड़ से एक युवक का शव देखकर बच्चे शोर मचाते हुए बाहर निकले। बच्चों का शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण विद्यालय परिसर पहुंचे, जहां पर बनवारी पुत्र रामजी लाल जाति मीणा उम्र 23 साल नीम के पेड़ से लटका मिला। जिले के उपखंड सपोटरा के गांव जोड़ली, ग्राम पंचायत जोड़ली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोड़ली में आज एक बड़ी वारदात देखने को मिली है। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि यहां स्कूल के भीतर यहां पर एक युवक का शव वो पेड़ से लटका हुआ मिला है। बहुत बड़ी घटना आज हुई है जोड़ली गाँव में। यहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं खुद DYSP भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। सपोटरा पुलिस थाने के जो पुलिस निरीक्षक है उदय भान जी, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। FSL टीम का इंतजार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोड़ली से, जहाँ पर आज रात्रि को एक बड़ी वारदात देखने को मिली है। जिस प्रकार से ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि युवक का सब पेड़ से लटका हुआ जब सुबह बच्चे आए थे, वो बच्चों को दिखाई दिया, बच्चे डर कर बाहर भागे, ग्रामीणों को सूचना दी और उसके बाद में यहाँ पर अब धीरे धीरे दूर दराज से ग्रामीण पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर अब ये खबर आग की तरह फैल गई है, मीडिया यहाँ पर पहुंच गई है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच गया है। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि यहाँ पर जो भी है हत्या का खुलासा होना चाहिए, यानी हत्या का आरोप लगाया गया है। परिवारजनों की ओर से, ग्रामीणों की ओर से एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिली है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो युवक है उसका नाम बनवारी पिंटू उर्फ बनवारी पुत्र रामजी लाल मीना बताया जा रहा है, जोड़ली गांव का ये निवासी था, और उसका शव यहाँ पर पेड़ से लटका हुआ मिला है। मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जोड़ली गांव करौली जिले के उपखंड सपोटरा उसकी ग्राम पंचायत जोड़ली में आज एक युवक जिसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि जब तक खुलासा नहीं होगा हम यहाँ से सबको नहीं उतारने देंगे। FSL टीम का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पुलिस के अब आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, RSC के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने जो रास्ता है उसको बंद कर दिया है। मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, जो मुख्य सड़क है उसमें अवरोधक लगा दिया है, जाम लगा दिया है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक खुलासा नहीं हो जाता तब तक हम इस सबको नहीं उतारने देंगे। ये एक बड़ी वारदात आज देखने को मिली है करौली जिले के उपखंड मुख्यालय सपोटरा की ग्राम पंचायत जोड़ली में, जहां पर स्कूल के भीतर पेड़ से एक शव लटका हुआ मिला है और जोड़ली निवासी पिंटू उर्फ बनवारी का ये शव बताया जा रहा है। जिस प्रकार से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर अब पहुँचते जा रहे हैं, आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हुए जा रहे हैं, ग्रामीण यहाँ पर पहुँचते हुए जा रहे हैं। सनसनीखेज खबर है आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं। जिस प्रकार से मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, जाम की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार की वारदातें देखने को मिल रही है। ग्रामीणों के